यूपी में अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम एक नए विवाद में फंस गए हैं। ताजा विवाद रेलवे अधिकारी पर अपनी दादागिरी दिखाने का है। सतीश गौतम एक वीडियो में रेलवे अधिकारी से कह रहे हैं कि सारी ट्रेनें रोक दो, सिर्फ वैशाली एक्सप्रेस को जल्दी स्टेशन पर ले आओ। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम फोन पर ये दादागिरी रेलवे के अधिकारी को दिखा रहे हैं। अंदाजे बयां से साफ है कि सतीश गौतम अपने सांसद होने की पूरी ताकत का इस्तेमाल वैशाली ट्रेन को जल्दी अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वैशाली ट्रेन को सतीश गौतम क्यों जल्दी अलीगढ़ स्टेशन पर लाना चाहते हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। अरे तुम तत्काल बोलो वैशाली का, आज मैं तुम पता करो वैशाली 10 मिनट में यहाँ चाहिए। सुना आपने, राजधानी एक्सप्रेस भी बाद में आएगी, पहले वैशाली ट्रेन को भेजो, क्योंकि इस ट्रेन में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे आ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ इस वक्त जिन्ना विवाद का केंद्र बना हुआ है, जमकर राजनीति हो रही है। महेंद्रनाथ पांडे भी लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचने वाले थे, क्योंकि एएमयू विवाद के बाद उन्हें यहां का दौरा करना था। और इस बीच सांसद सतीश गौतम की सफाई भी आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सतीश गौतम ने कहा है कि उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया। सतीश गौतम की सफाई, मैंने रेलवे अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया, बल्कि वो तो पार्टी कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को वैशाली एक्सप्रेस से अलीगढ़ आना था और ट्रेन 6 घंटे की देरी से चल रही थी। सांसद सतीश गौतम की सफाई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।